इससे पहले मैंने हदीस कुदसी का मतलब बताया है कि हदीसें दो तरह की होती हैं एक किस्म अहादीस की वो है जो सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल से ने ऐसे फ़रमाया उस बात की नस्बत अल्लाह के रसूल तक रुक जाती है अक्सर आहदीस ऐसी ही हैं और दूसरी आहदीस जो होती हैं कुछ ऐसी भी हैं जिनको अहादीस कुदसिया कहा जाता है अहादीस कुदसिया उन अहादीस को कहा जाता है कि जिसमें सहाबी कहें कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने अल्लाह से नकल किया या सहाबी कहें हमने नबी साफ़ शाम को फरमाते हुए सुना कि आप फरमाए मेरे रब ने मुझे ये ख़बर दी अल्लाह फ़ीमा यरवी है यानी जिससे हदीस की नस्बत नबी अराब शाम हदीस बयान करते वक्त अल्लाह की तरफ़ कर दें अल्लाह ने फ़रमाया अल्लाह ने वही भेजी दी अल्लाह का हुक्म है ऐसी अहादीस जो होती है उनको अहादीस खुदसिया कहा जाता है तो ये हदीस भी जो मैंने हजरात के सामने पढ़ी ये हदीस कुदसी है और इस हदीस को इमाम अबू दाऊद इमाम तिर्मिजी इमाम अहमद बकी और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने बसनद सही नक़ल किया है नबी अल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं यह बना आदम ए आदम की औलाद ए आदम के बेटे और बेटियों इस उम्मत का मकाम और मरतबा देखें कि नबी अलैहिस्सलाम से पहले जितने अम्बिया आए थे हर नबी की उम्मतियों को अल्लाह ताला जब भी कोई पैगाम देता तो नबी के ज़रिए देता और अल्लाह नबी को हुक्म देता कि आप अपने उम्मतियों को ये पैगाम पहुँचाएँ किसी भी नबी की उम्मतियों को अल्लाह ताला ने डायरेक्ट नहीं पुकारा सिवाय आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखें कुरान पाक में एक जगह अगर अल्लाह ने फरमाया रसूल बल्लमा उनबिक तफ़अल फमा बल तशाल तह नबी आप मेरा ये पैगाम अपने बंदों को पहुँचा दें लेकिन बेशुमार मकामात पर कुरान में अल्लाह ताला तायरेक्ट ईमान वालों को मुखातब किया या यादीन आमनों ए ईमान वालों क़ुरान में अल्लाह ताला ने डायरेक्ट ईमान वालों को ख़िताब किया ये इस उम्मत की फजीलत है जो हदीस मैंने पढ़ी इस हदीस कुत्ती में गौर करें कितनी अहम बात अल्लाह ताला बयान करना चाहते हैं अल्लाह ताली डायरेक्ट आदम की औलाद नबी नबीसम की उम्मतियों से डायरेक्ट खिताब करता है यब न आदम ए आदम के बेटे देखो अरश से अल्लाह रबालमीन आदम की औलाद हमसे और आपसे खिताब करें ये हमारे और आपके लिए कितनी बायस इज़्ज़त और शर्फ़ चीज है यब ना आदम ए आदम की औलाद आदम के बेटे और बेटियों अरबार का आतीम बयान करने का अंदाज़ देखें ए आदम की औलाद आदम के बेटे आदम के बेटियो, मिन नहार। अगर की बेटियों का सुबह के वक्त अवल नहार यानी दिन के इब्तः में सुबह हुई फजर की नमाज पढ़े सूरज तुलू हुआ इशराक का वक्त हो गया क्योंकि सूरज तुलु होने के वक्त नमाज पढ़ना नाजायज और सूरज तलूब होने के पहले पहले फजर के अलावा कोई नमाज नहीं है मिन इब्तिदा में जब दिन शुरू होता है आदम की औलाद अगर मेरे लिए तो चार रकात नमाज नफिल पढ़ ले देखें कितना अहम पैगाम अल्लाह ताला अपने नबी को भी बीच में नहीं ला रहा है ये नहीं कह रहे कि मेरे नबी अपने उम्मतियों कहें चार रकात पढ़ ले नहीं डायरेक्ट अल्लाह आपसे खिताब करता या बना आदम आदम की औलाद जब सुबह होती है दिन शुरू होता है चार रकात मेरी रिदा मेरी खुशनुदी के लिए तो नफिल पा ले अकफे का आखिरा, तो जब तक सूरज गुरूब नहीं होगा हम तेरी किफालत और जिम्मेदारी ले लेंगे क्या मतलब है कितनी बड़ी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमा रहे हैं कि आदम की औलाद अगर सुबह चार रकात मेरी रेदा के लिए तू नमाज पढ़ ले नमाज नफिल तो अब दिन भर जब तक सूरज गरूब नहीं होगा तेरी किफालत तेरी हिफाजत हम अपने जिम्मे ले लेंगे फिर इसी पे नहीं शरह की गई इसकी कि मतलब क्या है अक्फे का हव शुगोला का व हवा ईजा का व फ्रो अम्मा तकरा रन का सुभान चार रकात नमाज की बरकत अल्लाह के फरमान का मतलब अगर सुबह अवले नहार में चार रकात मेरे लिए नमाज नफिल अदा कर ले तो अब तेरे सारे काम हम बनाएंगे हर वो चीज जो करना चाहता है हम तेरी मदद करेंगे हम तेरा साथ देंगे हम तेरे काम बनाएंगे तेरी जरूरियात को पूरी करेंगे यहाँ तक कि वाद फाओ हर वो चीज़ जिसको तू नापसंद करता है हम उससे तुझको बचा लेंगे यह हदीस बड़ी अहम है दोस्तों आज इस हदीस के बयान करने का मकसद हमारा ये है नबी अलैहिस्सलाम ने या अल्लाह ताला ने इस हदीस कुत्सी में हमारी दिली परेशानी कलबी खलजान हमारी मुश्किलात हमारा टेंशन सब का इलाज अल्लाह ताला ने इस हदीस के अंदर बताया आज दुनिया का हर इंसान परेशान हाल हर इंसान टेंशन में कहीं सास बहू की लड़ाई है तो दोनों घर टेंशन में सेठ और लेबर की लड़ाई है दोनों ऑफिस और कंपनी में टेंशन में बाप और बेटे का मामला है आज सबसे बड़ा मसला टेंशन का है इंसान का दिमाग इंसान का दिल आज सुकून में नहीं है और इंसान जब ज्यादा बेकरार और बेचैन हो जाता है तो अपने सुकून के लिए अब वो इधर उधर भागता है कहीं जाता है किसी से तो कहता है, हम पर किसी ने कुछ कर दिया है रुकिया कर दें, किसी ने कुछ नहीं किया है आपकी अपनी परेशानी है कोई भागता है और किसी के पास जाता है कुफरिया शिरकिया आमाल वाले के पास और वो जाकर हाँ उसे कुछ लिखा या कुछ ना लिखा लपेट करके दे दिया हर इंसान आज भागता है परेशान होता है और ये कहता है कि मेरी बड़ी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं मुश्किलात में मैं घिरा हुआ हूँ टेंशन उलझन बेकरारी बेचैनी हर चीज़ है आज हम लोग तरह तरह से इलाज करते हैं और अल्लाह ताला ने इलाज किस में रखा है रकात नमाज के अंदर इसीलिए आज हम लोगों को इस हदीस पर गौर करना चाहिए कितने जोरदार अंदाज में यकीन के साथ अल्लाह ताला फरमाते आदम इरकाली अरबा रका अवलिन नहर अकफिक आदम की औलाद अगर सित के दिल से मेरी रेदा के लिए सुबह अव्वल नहार में दिन की इब्तिदा में अगर चार रकात तूने नफिल पढ़ लिया तो हम तेरी सारी परेशानियां दूर कर देंगे हर मुश्किल हल हर परेशानी दूर हर टेंशन उलझन है जो सुकून और राहत ख़त्म हो गया है सारी चीज़ें हम ख़त्म करके सुकून तुझे अता कर देंगे बशरते कि तू सुबह चार रकात नमाज़ पढ़ लिया करे दोस्तों हर बला हर मुसीबत की परेशानी नबी अलैहिस्सलाम ने इस हदीस कुत्ती में अल्लाह ताला के हुक्म से बयान कर दिया अगर हम चाहते हैं हमारी मुश्किल हमारी परेशानियाँ दूर हों हम जिस काम को करना चाहते हैं मेरा काम पूरा हो अल्लाह ताला हमारी मदद करे, हमारी दुश्वारियां दूर हों हर परेशानी तकलीफ़ और नापसंदीदा चीज़ से हम महफूज़ रहें हर बुराई से तो अल्लाह ताला वादा करते हैं इब्ने आदम अगर तूने चार रकात नमाज सुबह पढ़ लिया हाँ अकसे का आखिरा तो जब तक सूरज गुरू नहीं होगा हम तेरी हिफाज़त करते रहेंगे तेरी ज़रूरत पूरी करेंगे तेरी मुश्किल हल करेंगे और तुझको हर परेशानी से जिससे तू बचना चाहता हम उससे तुझको बचाएंगे ये है मेरे भाई व इलाज सारी मुश्किल का हल अल्लाह रबालमी ने कुरान हदीस में बयान किया है लेकिन हम लोग उसको अपनाते नहीं हमारी सारी मुश्किलात जो हैं वो आज जंतर मंतर झाड़ फूँख से हम हल करना चाहते हैं इसीलिए वो सारी मुसीबतें और बढ़ती जाती घटती नहीं हमारा काम ये है अल्लाह उसके रसूल ने जो बयान किया ज़रा गौर करें आज इंसान अपनी सुकून के लिए अपना टेंशन परेशानी दूर करने के लिए क्या क्या करता है अल्लाह ने शात रमाया अला बिदिक में कुल ए लोगो अल्लाह का ज़िक्र करो अल्लाह का ज़िक्र एक ऐसा अमल है कलूम याद रखो अल्लाह ताला के जिक्र से दिलों को सुकून और राहत मिला करती है इंसान अल्लाह का जिक्र करे शहबी कराम अपना सारा इलाज जिक्र से दुआओं से अल्लाह की इबादत से तोबा इस्तिकार से हल किया करते थे और आज हमारा मामला ये है कि मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि मुसीबत में भी अब याद खुदा उनको नहीं आती मुसीबत में भी अब याद खुदा उनको नहीं आती दुआ मुंह से निकली पाकिटों से पर्चियां निकली कितनी अजीब सी बात यानी एक जमाना वो था असलाफ का कि कोई परेशानी आए तो सबसे पहले इंसान अल्लाह ताला से दुआ करता था अल्लाह परेशानी को दूर कर दे और आज इंसान जितना परेशान होता उतना ही दादा अल्लाह की याद से दूर उठता है और गैर अल्लाह के करीब होता है यानी यहाँ तक कि कुफर शिरक भी करना शुरू कर देता है हजरत अली रजी अल्लाह हो तारा न हो हमें एक दिन बहुत बैठे परेशान कहने के या रसूल अल्लाह मैं बहुत परेशान हो गया हूँ बे इनतहा मुश्किल में हूँ क्या हुआ या रसूल इतना कर्ज़ा मेरे सर पर लद गया अब अदा करने की कोई शक्ल नज़र नहीं आ रही है और इतना कर्जा हमारे सर पर चढ़ गया है कि अब कर्ज़ा अदा करने की ताकत नहीं बड़ा परेशान हो नबी रेसा ने शास्त्र माया मैं एक दुआ बताता हूँ इस दुआ को बराबर पढ़ा कर अल्लाह तेरे कर्ज़े अगर पहाड़ के बराबर होंगे जब भी अदा करा देंगे कितनी आसान दुआ अल्लाह मकफिनी बेहला वी बेफली का अमन सबा आज हम लोग दिल की सुकून और राहत का जो तरीका इस्लाम ने बताया वो छोड़ दिया हमने अल्लाह के सुन फरमाए अली इस दुआ को तुम पढ़ो सुबह शाम अगर पहाड़ के बराबर भी कर्ज़ा तुम्हारे ऊपर है तो, तो तुरे कर्ज़े को अल्लाह ताला अदा करा देगा हजरत अली कहते हैं बस मैंने पढ़ना शुरू किया अल्लाह मकफनी बेहला हरामी क्या वग्न बेफरी क्या अमन अल्लाह हमें हलाल इतना दे दे कि मैं हराम से महफूज रहूँ देखा कितनी प्यारी तो आप अल्लाह मकफी क्या अल्लाह आप मुझे इतना हलाल दे दें कि हराम से मैं महफूद रहूं अल्लाह मुझे हराम से बचा ले हलाल दे दे, दे अमन ए अल्लाह अपने फजल से मुझे इतना नवाज दे कि दुनिया में किसी का मोहताज ना रह जाऊं कोई परेशानी ना रह जाए तो मेरे भैयो हमें इस हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलाम सामने ने हमारा एक इलाज बताया कि अगर हम चार रक़ात सुबह पढ़ ले तो अल्लाह ताला हमारी सारी परेशानियां दूर करता है या बना आदम आदम की औलाद इर कली रकात मिन अवलिन नहार अगर दिन के शुरू में तू तो मेरी रजा के लिए चार रक़ात नफिल मेरे लिए पढ़ ले तो अखे का आखरा शाम तक जब तक सूरज गुरूब नहीं होगा हर तेरी मुसीबत को दूर करेंगे परेशानी से बचाएंगे और तेरी सारी ज़रूरियात को हम पूरा कर देंगे इसी इस हदीस पर आप अमल करें मुश्किल दूर होगी आज सबसे मुश्किल चीज़ असल में ये आई है कि हम लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते सुन नबी दाऊत की रवायत हजैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तुमा कहते हैं कि काना रसूल स इदा हादा बहू अमर इस हदीस को गौर करें कहां हमारी परेशानियों के इलाज है दोस्तों किस चीज में उसको समझो जंतर मंतर कभी रुकिया कराने के लिए इसके पास भग रहे हैं किसी उसके पास भग रहे हैं और रुकिया करने वालों का मामला वो कभी ये नहीं कहेंगे हाँ तुम्हारे इस पास कुछ भी नहीं है वो तो अगर रुकिया करने वालों के पास गए साहब क्या बताएं मेरा कारोबार नहीं चलता बड़ी परेशानी बड़ी उलझन आप जाएंगे तो आप पर भी है और आपसे बड़ा आपकी बीवी बच्चों के ऊपर है आप इंसान उसी जंतर मंतर के अंदर पड़ा रह गया इसलिए शरीयत के मुताबिक आप अपनी मुश्किलात को दूर करें गौर करें नबी के अलहसा के बारे में इबान रजी अल्लाह तार कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लम इदा हदा बहु अमर नबी शाम को जब भी किसी मामले में परेशानी लाक होती अल्लाह अकबर जरा गौर करो जब भी नबी को तो किसी मामले में परेशानी लाक होती कोई मुश्किल घिर गए किसी परेशानी मुतला हो गए कोई तकलीफ दे खबर आ गई किसी मामले में उलझ गए परेशान हो गए तो हजरत इब्न यमान कहते हैं वधु किया और अल्लाह रसूल नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए क्यों आपने श कितनी प्यारी बात ए लोगो जो बातोर जो हमारी सारी परेशानियों का इलाज अल्लाह ने नमाज में रखा है इंसान अगर पंचवक्ता नमाज पढ़ता है पंचवक्ता नमाज के साथ साथ ये नवाफिल वगैरह का एहतमाम कर ले तो शायद इतनी परेशानी मुबतला ना हो लेकिन आदमी नमाज हफ्ते में एक दिन पढ़ता है जुमे को और पूरे सनीचर से नमाज छोड़ता है तो जुमेरात तक नमाज नहीं पढ़ता और जुमे के दिन आएगा सबसे आखिरी में आएगा और सबसे पहले पलट करके जाएगा हफ्ते भर नजिस नापाक नमाज को छोड़ करके रब को नाराज कर रहा है अब सारी परेशानियां तो आएंगी क्यों रब ने इर्शाद फरमाया वो मैयाश करीरहमान नुक़दल शेखान फहल करीन जब भी मेरी याद से कोई इंसान रू गर्दानी करता है किनारा का तैयार करता है अल्लाह फरमा हम उसके ऊपर शैतान को मुसलत कर देते हैं और वो शैतान उसका पक्का साथी बन जाता है फहलू करीन वो उसका पक्का साथी बन जाता है अब शैतान जिसका साथी बन जाएगा उसे कब सुकून और राहत नसीब होगी तो सारा इलाज अल्लाह नमाज के अंदर रखा है इसीलिए जब नबी अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा परेशान होते कोई परेशानी आ गई किसी मुश्किल में घिर गए जब अदान का वक्त तो होता तो अल्लाह अल्ला क्या फरमाते या बिलाल अरे हिन्ना ना ज़रा अजान दो नमाज़ पढ़ने ताकि हमें सुकून नसीब हो जाए मुश्किल दूर हो जाए यह नबी अलैहिस्सलाम का तौर तरीका था इसीलिए हमें से हर इंसान को चाहिए कि तिलावत क़ुरान नमाज वगैरह की पाबंदी बराबर करें ताकि हमारी सारी मुश्किल आसान होती रहें खूश नबी अल्लाह ताला हदीस पुस्ती में जो रमा रहे हैं बना आदम इरकाली कली रकात मिन अहर आदम की औलाद अगर सुबह दिन के इब्तिदा में चार रकात मेरी रदा के लिए तूने पढ़ लिया अक्शे का आखिर तो जब तक सूरज गुरूब नहीं होगा तब तक हम तेरी सारी मुश्किल चार रकात की बरकत से दूर करेंगे हर परेशानी से बचाएंगे और तेरी हम मदद करेंगे और हर हाजत तेरी हम पूरी करेंगे शर्त है कि मेरी रिदा के लिए सुबह चार रक़ात नफिल नमाज़ तो अदा कर ले अल्लाह ताला हमें इस बात पर अमल करने के तो फीक न सरमाए अकुल को लिहादर ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें